तो दोस्तों जो आप लोगों की डिमांड थी वो वीडियो आज इस वीडियो के अंदर हम हाथी विधानसभा के जितने भी टोटली गांव है उनके अंदर आपको ये बताएंगे कौन से गांव से कितनी इसराइल को वोट मिली है, कितनी मनोज को मिली है या फिर कितनी कोई और नेता को मिली है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दियो और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको नहीं पता है आपके गाँव से कौन से नेता को कितनी वोट मिली है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आप सभी को पता चल जाएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव जरूर होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेवन के गांव से शुरू करते हैं। जो फर्स्ट गांव है वो है लखना का, उसके अंदर से 913 वोट मिली है तैयब हुसैन को और 37 वोट मिली है मनोज को और इसराइल को 1095 वोट इस गांव से मिली है। आप सभी को पता है इसराइल कांग्रेस नेता थे, मनोज बीजेपी नेता थे और जो तैयब हुसैन है ये इनोला कोई पार्टी है उससे खड़े थे। अगला गांव है लाडम की, इसके अंदर से 216 वोट मिली है तैयब को, 1 वोट मिली है मनोज को और 612 वोट मिली है इसराइल को। और फिर इस अगला गांव आता है बाबूपुर, बाबूपुर गांव से 212 वोट मिली है तैयब को, 2 वोट मिली है मनोज को और 659 वोट मिली है इसराइल को। तो वीडियो काफी लंबी होगी लेकिन आपको बोर नहीं होना पड़ूंगा। अगर आपका गाँव आ जाए तो कमेंट के अंदर लिख देना, अगर रह जाए तो फिर भी आप बता देना, मैं आपको पर्सनली कमेंट कर दूंगा और वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से। तो हम बढ़ते हैं अगले गांव तक। रणसिंह गांव से 227 वोट मिली है तैयब को, 186 वोट मिली है मनोज को, 1591 वोट मिली है इसराइल को। और अगला गांव है भीमसी का, भीमसी गांव के अंदर 900 वोट मिली है तैयब को, 3 वोट मिली है मनोज को और 271 वोट मिली है इसराइल को। और फिर आगे चलते हैं तब गुलेसिरा गाँव से 62 वोट मिली है तैयब को, 1 वोट मिली है मनोज को और 163 वोट मिली है इसराइल को। तो दोस्तों ऐसे ही हम चलते रहेंगे, थोड़ा फास्ट होंगे लेकिन आप सभी वीडियो में बने रहिए क्योंकि अगला गांव आपका भी हो सकता है। तो अगला गांव है इससे मलाई, मलाई के गांव के अंदर 1998 वोट मिली है तैयब को, 45 वोट मिली है मनोज को और 1644 वोट मिली है इसराइल को। तो आपको इस जानकारी से यह पता चल जाएगा कि हमारे गांव से कितनी वोट किस नेता को गई है, पता चल जाएगा ना। ये तो सभी पता भाई इसराइल जीत को, लेकिन ये हमें पता है ना भाई कौन से गाँव से कितनी वोट मिली है, तो ये जानना जरूरी होता है। तो अगला गाँव है रूपड़ा का, रूपड़ा के गाँव के अंदर 4982 वोट मिली है तैयब को, 63 वोट मिली है मनोज कुमार को और 1472 वोट मिली है इसराइल को। और आगे चलते हैं तो गोपुर, 194 वोट मिली है तैयब को, 7 वोट मिली है मनोज को और 1096 वोट मिली है इसराइल को। भाई साहब पचाड़ गांव के अंदर 577 वोट मिली है तैयब को, 25 वोट मिली है मनोज को और 981 वोट मिली है इसराइल को। हाँ मुझे पता है तेरा अभी इन गांव को नाम ना आयो, रुक रहे थोड़ा सा और रुक जा भाई, रुक जा इधर, तू लाइक का बटन दबा दे ठीक है। तो अगला गांव ठीक सुने, मोदम का गांव से 261 वोट मिले तैयब को, 2 वोट मिली है मनोज को और इसराइल को 498 वोट मिली है। और फिर अगला गांव है गुराक्सा, गुराक्सा गाँव के अंदर 556 वोट मिली है तैयब को, 80 वोट मिली है मनोज को और इसराइल को 2027 वोट मिली है। फिर इससे अगला गांव है खिल्लू का, जो कि खिल्लू का खल्लू का कोई कह दे कोई दिक्कत ना, 309 वोट मिली है तैयब को, 29 वोट मिली है मनोज को और इसराइल को इस गांव से मिली है 1586 वोट। तो अगला गांव है उटावट, उटावट गांव के अंदर 279 वोट मिली है तैयब को, 83 वोट मिली है मनोज को और 8456 वोट मिली है इसराइल को। क्या अभी तक आपका गाँव आया नहा अभी, अब कोई बात ना थोड़ी सी और देख ले ठीक है। फिर इससे अगला गांव है मालू का गांव के अंदर 351 तैयब को, 161 मनोज को, 1801 वोट इसराइल को। अगर आप हाथी विधानसभा से देख रहे हो ना तो वीडियो लास्ट तक देख रहे हो। और झांडा, अगला गांव है झांडा, 731 वोट मिले तैयब को, 4 वोट मिले मनोज को और 2248 वोट मिली है इसराइल को। फिर इससे अगला गाँव है आड़ी मेव, 1450 वोट मिले तैयब को, 123 वोट मिली है मनोज को और 3905 वोट मिली है इसराइल को। आ कोई बात ना अभी 4 मिनट की वीडियो हुई है भाई यार। तो इससे अगला गांव है आली ब्राह्मण, ये दो गांव है एक आली मेव और एक आली ब्राह्मण। तो इसके अंदर 26 वोट मिली है तैयब को, 429 वोट मिली है मनोज को, 129 वोट मिली है इसराइल को। इसके अंदर से देख लो आप कितना फर्क है, उस गाँव से 3905 वोट मिली थी और इस गाँव से 129 वोट मिली, दोनों आली है लेकिन फर्क हो जाता है। अगला गांव खाई का गांव से मिली है 354 वोट तो तैयब को मिली है, 43 वोट मनोज को मिली है और 2505 इसराइल को मिली है, यानी 2505 वोट इसराइल को मिली है। तो
इससे अगले गांव की ओर तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक पेज खत्म हो चुका है, अब चलते हैं दूसरे पन्ने पर। इसके अंदर भी इतने ही नाम है, ऐसे तीन पन्ने, इसके अंदर आपको गांव 100% आ जाएगा। और अगला गांव है मंदना का, 523 वोट तैयब को मिली है, 972 मनोज को मिली है और 439 इसराइल को मिली है। तो इससे अगला गांव है जैनपर, जैनपर गांव के अंदर 156 तैयब, 215 मनोज, 135। फिर अगला गांव है आलू का, 21 वोट तैयब की, 175 वोट मनोज की, 22 वोट इसराइल की। खोकिया का 125 तैयब की, 172 मनोज की और 85 वोट इसराइल की। अगला गांव है दमा का, 80 वोट तैयब की, 338 वोट मनोज की, 167 वोट है इसराइल की। तो आप सभी देख रहे होंगे इसके अंदर पता चल रहा है आप सभी को कहां से इस नेता को कितनी वोट मिल रही थी। कहीं पर बीजेपी ज्यादा है, कहीं पर कांग्रेस ज्यादा है, कहीं पर इनोला ज्यादा है, देख रहे हो। और आगे चलते हैं, और अब आप सोच रहे होंगे लिस्ट हम लोग दे देना भाई तो हम पढ़ ले चल जल्दी यार। तो भाई मैं बता दूं, लिस्ट हम लोग खुद ने बनाई गई, तब देख लिया हमें खुद पेंसिल का अक्षर लिखो गए, एक वोट लिखी गई। तो लिस्ट तो बहुत लंबी, कम से कम 12-13 पन्ना की। उसके अंदर से हमने जो वोटिंग बूथ है वो इकट्ठा करें, फिर वोट इकट्ठी करी, फिर उसके अंदर से टोटल रिजल्ट निकाले, ठीक है ना। समझ जाओ जो मैं पढ़ रहा हूँ वह तब सुन लो ध्यान से, ठीक है। फिर अगले गाँव में रतिपर, 83 वोट मिली है तैयब को, 449 वोट मिली है मनोज को और 193 वोट मिली है इसराइल को। तो इससे अगला गाँव आता है जोधपुर, जोधपुर गाँव के अंदर 121 वोट मिली है तैयब को, 354 वोट मिली है मनोज को, 274 वोट मिली है इसराइल को। चिराटो गांव से 122 वोट मिली है तैयब को, 625 वोट मिली है मनोज को, 96 वोट मिली है इसराइल को। फिर इससे अगला गांव आता है रेहराणा, 135 वोट तैयब की, 978 वोट मनोज की, 278 वोट इसराइल को। बहरोड़ा, 154 वोट तैयब की, 825 वोट मनोज की, 195 वोट है इसराइल की। अगला गांव है सलोटी, 217 वोट मिली है तैयब को, 1017 वोट मिली है मनोज को, 367 वोट मिली है इसराइल को। बामणी खेड़ा, 372 वोट तैयब की, 2746 वोट मनोज की, 1048 वोट है इसराइल। फुलवारी, 178 वोट तैयब की और 1609 वोट मनोज की और 438 वोट है इसराइल की। और अब आता है टीकरी ब्राह्मण, 859 वोट मिली है तैयब को, 1511 वोट मिली है मनोज को, 1014 वोट मिली है इसराइल को। फिर आता है लगाम राजपुर, 385 वोट मिली है तैयब को, 105 वोट मिली है मनोज को, 1003 वोट मिली है इसराइल को। फिर आता है दुर्गापुर, 37 वोट मिली है तैयब को, 170 वोट मिली है मनोज को, 96 वोट मिली है इसराइल को। फिर इस अगला गांव में बाधोरी पलवल, 98 वोट मिली है तैयब को, 215 वोट मिली है मनोज को और 136 वोट मिली है इसराइल को। फिर इस अगला गांव में मलोखरा, 355 वोट मिली है तैयब को, 39 वोट मिली है मनोज को और 1150 वोट मिली है इसराइल को। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इस लिस्ट को बनाने में, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें मिल जाता है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर आपके पास अगली वीडियो नहीं आएंगी। हम अगले वीडियो बनाने वाले हैं, फिरोजपुर विधानसभा के ऊपर बनाएंगे, सोना विधानसभा के ऊपर बनाएंगे, पुराना विधानसभा के ऊपर बताएंगे और हतीम की आप लोगों को बता ही रहा हूँ मैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो अगले गाँव में 119 वोट मिली है तैयब को, 4865 वोट मिली है बीजेपी मनोज को, 2225 वोट मिली है इसराइल को। ये खुद हतीन की लिस्ट बताई आपको मैंने। फिर अगला गांव है बूरा का, 458 वोट मिली है तैयब को, 2 वोट मिली है मनोज को, 688 वोट मिली है इसराइल को। धीरण की, 1046 वोट मिली है तैयब को, 7 वोट मिली है मनोज को और इसराइल को इसके अंदर से 773 वोट मिली। कुकरस्ती, 46 वोट मिली है तैयब को, 0 वोट मिली है मनोज को, इसराइल को इसके अंदर से मिली है 506 वोट। अब लास्ट पेज बचा है, लास्ट लिस्ट बची है, जो कि इसके अंदर लगभग 24-25 गांव और बच रहे हैं। इसके अंदर आप सभी का गांव आ जाएगा अगर अभी तक नहीं आया है। और आप बताना आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगला गांव है मंदपुरी, ये पूरे हिंदुओं का गांव आ जाते हैं, जो कि अगर कोई देख रहा है तो प्लीज कमेंट कर। मंदपुरी गाँव से 191 वोट मिले तैयब को, 4 वोट मिले मनोज कुमार को और 608 वोट मिले इसराइल। कलवा का, 187 वोट मिले तैयब को, 352 वोट मिले मनोज को और 389 वोट मिले इसराइल को।
बेहला का 46 वोट मिले तैयब को, 141 वोट मिले मनोज को, 68 वोट मिले इसराइल को। 20 से अगला गांव आता है परौली, 104 वोट मिले तैयब को, 255 वोट मिले मनोज को, 136 वोट मिले इसराइल को। तेहरा की 140 वोट तैयब को, 680 वोट मनोज को, 291 इसराइल को। फिर आता है डूंगरपुर, 183 वोट तैयब हुसैन की, 22 मनोज कुमार की, 706 इसराइल की। फिर आता है चांदपुर, 55 वोट तैयब की, 200 वोट मनोज की, 91 वोट है इसराइल की। जैंदापुर, 146 वोट तैयब की, 244 वोट मनोज की, 191 वोट है इसराइल की। फिर आता है अतरचाता, इसके अंदर से 50 वोट मिली है तैयब को, 364 वोट मिली है मनोज को, 244 वोट मिली है इसराइल को। और अगला गांव है किशोरपुर, 164 वोट मिली है तैयब को, 597 वोट मिली है मनोज को, 388 वोट मिली है इसराइल को। फिर अगला गांव है कानोली, 151 वोट मिली है तैयब को, 237 वोट मिली है मनोज को, और 104 वोट मिली है इसराइल को। तो अभी तक भी आपका गांव नहीं आया है तो जो लास्ट के 10 गांव बचे हैं इसके अंदर जरूर आएगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही आपका गाँव अगला हो सकता है। फिर अगला गाँव है चीता खेड़ली, 115 वोट मिली है तैयब को, 249 वोट मिली है मनोज को, 117 वोट मिली है इसराइल को। इस अगला गांव है मांदोरी, 269 वोट तैयब की, 490 मनोज की, 196 वोट है इसराइल। और महेशपुर, 333 वोट है तैयब की, और 319 वोट है मनोज की, और 160 वोट है इसराइल की। फिर अगला गांव है नंगली पचाव की, 42 वोट मिली है तैयब को, 125 वोट मिली है मनोज को, और 57 वोट मिली है इसराइल को। फिर अगला गांव है केरा का, 50 वोट मिली है तैयब को, 147 वोट मिली है मनोज कुमार को, और 110 वोट मिली है इसराइल को। फिर अगला गांव है बड़ा गांव के अंदर 473 वोट मिली है तैयब को, 664 वोट मिली है मनोज को, और 236 वोट मिली है इसराइल को। फिर इससे अगला गांव आता है रखोटा, 129 वोट तैयब की, 223 वोट है यह है मनोज कुमार की, और 120 वोट है वो है इसराइल। फिर अगला गांव है जोहरखेड़ा, 171 वोट है इनोला के तैयब हुसैन की, 67 वोट है मनोज कुमार बीजेपी वाला के, 121 वोट है इसराइल कांग्रेस पार्टी वाला के। फिर आता है रीभड़, 250 वोट मिली है तैयब हुसैन को, 511 वोट मिली है मनोज को, 260 वोट मिली है इसराइल को। अब लास्ट दो गांव बच रहे, सिर्फ दो गांव, इनको सुन लो। पोंडारी, 60 वोट मिली है तैयब हुसैन पार्टी वाले, 375 वोट मिली है बीजेपी के राजकुमार मनोज कुमार, और 130 वोट मिली है कांग्रेस के इसराइल को। फिर लास्ट गांव है अकबरपुर नाटोर, 265 वोट मिली है तैयब को, 74 वोट मिली है मनोज को, और 223 वोट मिली है इसराइल को। तो दोस्तों यहां पर यह पूरी जो लिस्ट थी वो हमने कंप्लीट कर दिया, ये पूरी लिस्ट थी हथीन विधानसभा की। और अगली हम बनाने वाले हैं नुह विधानसभा के ऊपर, वो आपको कल वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि फिर आप जब ही देख पाएंगे उस वीडियो को, वरना आप उसको भी मिस कर जाएंगे। अगर आप नुह विधानसभा से देख रहे हो तो, या फिर हथीन विधानसभा से देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हथीन की पूरी लिस्ट मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है कि, और आप सभी को उम्मीद है पता चल गया होगा आपके गाँव से किस नेता को कितनी वोट मिली है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह हम मम्मन की जो विधानसभा की पूरे गाँव में टोटली उसकी भी एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो साथ में फिर कहूंगा शेयर कर देना, सभी भाई को पता चल सके कि कितनी वोट किस गांव से मिली है। बाय बाय, सलाम वालेकुम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।